औरबिक स्टोरी स्टाइल आइकॉन देवानंद की। देवानंद सदाबहार हीरो, हेयर स्टाइल, अदाएं, हैट पहनने का अंदाज, सब कुछ निराला। वो जो भी पहन लेते थे ऐसा लगता था कि वो उनके लिए ही बना है। काले सूट और काले कपड़ों में तो देवानंद इतने हैंडसम दिखते थे कि हजारों लड़कियां उन पर फिदा हो जाती थीं। ऐसी खबरों का बाजार भी गर्म हो गया जब देवानंद काले कपड़े पहन के निकलते थे तो रास्ते रुक जाते, लड़कियां बेहोश हो जाती, इस तरह की खबरें आईं। इसलिए गवर्नमेंट ने किसी भी पब्लिक गैदरिंग में देवानंद को काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। अब ये बात सच थी या केवल एक मिथ, और ये बात कब और कैसे फैल गई? सबसे पहले तो देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एक जमाने में इस तरह की बातें उड़ी थीं। देवानंद बताते हैं कि 1958 में जब वो काला पानी फिल्म में काम कर रहे थे तब इस फिल्म के बाद इस तरह की अफवाहें उठी थी। काला पानी फिल्म में कहानी ये थी कि हीरो के पिता को एक ऐसे जुर्म के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती है जो पिता ने नहीं किया। बस इसी बात पर हीरो कसम खाता है कि वो जब तक अपने पिता को कानून के शिकंजे से छुड़ा नहीं लेता तब तक काले कपड़े ही पहनेगा। यूं तो ये काला रंग उस किरदार के अंदर छुपे आक्रोश, क्रोध और दुख का रिफ्लेक्शन था, मगर इस काले रंग का कुछ और ही असर हो गया। देवानंद कहते हैं कि ये सच है कि उस वक्त इस तरह की बातें उठी थीं, मगर ये भी सच है कि सरकार या किसी और महकमे की तरफ से उन पर काले रंग को पहनने की कोई पाबंदी लादी नहीं गई थी। कुछ फैंस ने ये झूठी अफवाह उड़ा दी थी और एक झूठी खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। नेक्स्ट सेगमेंट, दिल ने फिर याद किया। आज याद करूंगा उस म्यूजिक डायरेक्टर को जिन्होंने आला दर्जे का काम किया, ओरिजिनल काम किया, मीडियोकर काम नहीं किया। जयदेव जी को याद करूंगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा स्वर्गीय जयदेव की स्मृति में। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।